अभी तक हमने जितने भी देखे वो है विलियम बेंटिक तक देख लिया है, ठीक है, वहां से ही शुरू करते हैं। उसके बाद से लॉर्ड ऑकलैंड आता है 1836 से लेके 1842 के बीच में, गवर्नर जनरल। बहुत ही मोनोटोनस टॉपिक हो जाता है, बट यू आर सपोज टू रिमेम्बर, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि एक दो प्रश्न आते रहते हैं गवर्नर जनरल से। आई कांट हेल्प इट, इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी, उबासी लेनी है तो ले लो, बड़ी बड़ी ब्रह्मांड दिखता रहता है, मुझे दिखा नहीं है, ब्रह्मांड दिखेगा तो साक्षात दंडवट कर दूंगा आप लोग। यू नो द स्टोरी ऑफ ब्रह्मांड? नहीं पता, उबासी लेते हो ब्रह्मांड की स्टोरी नहीं, कृष्ण वाली, ठीक है, देख लीजिएगा। फर्स्ट अफगान वॉर 1836 से लेके 1842 के बीच में, ये अफगानिस्तान को लेके थोड़ी बहुत फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने की कोशिश करेंगे ऑकलैंड। ओके, ऑकलैंड अफगानिस्तान डबल है, याद रखिएगा तो इजीली याद रहेगा। इसके बाद अफगानिस्तान को जो अच्छी तरह से उसके ऊपर जो विक्ट्री पाने की कोशिश करेंगे वो है लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन तो मैंने बताया बड़े ही खुराफाती गवर्नर जनरल हुआ था, ओके, वाइसराय हुआ था। वो 1870s में आते हैं, 1858 के बाद जितने भी वाइसरॉयस को देखेंगे, थोड़े बहुत देखेंगे, उसमें सब नहीं देखेंगे, बट ये 1858 के पहले वाले गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, इसके बाद लॉर्ड एलनबरो, ही एंडेड द अफगान वॉर, आल्सो वाज रिस्पांसिबल फॉर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, जो सिंध नाम का प्रदेश है उसको भी एनेक्स किया इन्होंने। फाइनली इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जाते हैं, लॉर्ड हार्डिंग आपके जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो आपका 1845-46 में हुआ था उसको ये कंक्लूड करेंगे, और ट्रीटी ऑफ लाहौर के पीछे भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो कंटिन्यूसली आपको जितने भी गवर्नर जनरल्स आते रहेंगे उनके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। Who was the responsible for the suppression of sir? कौन था? इतना अभी 5 मिनट मैंने फोटो भी दिखाया, यू गाइज आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान नहीं था। ओके, जनरल हेनरी पेंडर, पता नहीं, मैंने भी नाम नहीं सुना ही ये सब, स्लीमैन का ही ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके लिए मैंने ये थगवर्क वाला क्वेश्चन डाला है, ठीक है, आपको जो पढ़ाया है, वरना मैं पढ़ाता नहीं ये सब चीजें। ओके, सो हु ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ थग्स? ओके, सेकेंडली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वॉरन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश फेडरल, वॉज इट वॉरन हेस्टिंग्स? नो, हु वॉज दैट? कॉर्नवालिस। अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यस यस। द आईपीसी केम इन टू इफेक्ट इन द ईयर 1860, ये भी मैंने आपको 2-3 क्लासेस के अंदर वर्बली बताया हुआ है। ओके, सो विच इज द राइट ऑल्टरनेटिव? ओके, दिस वन्स रॉन्ग, दिस वन्स राइट, दिस वन्स राइट, सो राइट ऑप्शन इज सी। ओके, 2004 के अंदर यूपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा है, देखो ये वॉर वाला प्रश्न पूछा, और ये टाइम के साथ भी पूछ लिया, कभी कभी तो गवर्नर के साथ पूछता है, ये और जज्बाती हो गया था उसे, एग्जामिनर जो भी पेपर सेटर होगा उसको थोड़ी मजा आती होगी, तो बच्चों को और परेशान करो, क्योंकि आजकल ऐसा है कि दे आर नॉट आस्किंग द डेट्स आर मेंशन इन क्वेश्चन इटसेल्फ, बट यूपीएससी का नाम है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ओके, सो दे विल ट्राई टू चेंज द पैटर्न एवरी अदर ईयर, इफ यू सी द ट्रेंड एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, सब बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पोर्टेंट यही है कि यू शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड, कौन से है बताइए, आपने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने हर एक के अंदर डेट्स ऑलमोस्ट डाली थी, हर एक वॉर के अंदर डाली थी। करेक्टली मैं ही पूछा है, देखो द राइट ऑप्शन इज 2 and 3, अब देखिएगा कि डेट्स के साथ थोड़ा बहुत। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, अभी पहले की स्लाइड्स में मैंने बताया आपको, 1775 से लेकर 1782 के बीच, फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटेड आउट। एंड जो आपका सेकेंड सिख वॉर हुआ वो 1848 से लेकर 1849, the first Sikh war took place between 1845 to 1846. Okay, so the right option is Anglo-Burmese war, मैंने अभी बताया ना आपको, Treaty of Yandabu. Okay, उसके बारे में तो चर्चा कर रहे थे हम लोग,
एंड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेके 1792 ये भी है कॉर्नवालिस इसके साथ भी जुड़े हुए थे ओके सो टीपू सुल्तान के साथ सब्सिडरी अलाई करने के लिए इन्होंने ही न्योता दिया था टीपू को और टीपू का तो मानना यही था कि रेदर देन लिविंग योर होल लाइफ एज अ शिप यू शुड लिव योर लाइफ वन डे लाइफ एज अ लायन शेर की तरह जीना चाहिए तो इसके कारण ही इसके पूरा का पूरा मुद्दा आता रहता है ओके इसके बाद जो गवर्नर जनरल आए इनका नाम है लॉर्ड डेलाउस 1848 से लेके 1856 के बीच में इनका यहाँ पे भारत के अंदर आगमन होता है और काफी अच्छा खासा इन्होंने कामकाज किया है भारत को लेके इनके बारे में हम लोग थोड़ा और गहन से चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इसको लेके यूपीएससी ने एक दो बार जज्बाती भी हुआ था तो वो भी देख लिया जनरली डेलाउजी इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन उसकी जो विलय की नीति है उसको लेके उसको काफी याद किया जाता है He was the one who was responsible for the annexation of Punjab. मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया कि इसके पहले के जो गवर्नर जनरल थे वो ट्रीटीज किया करते थे लड़ाई करने के बाद भी सब्सिडरी अलाय बनाते थे डेलाउजी ने आके बोला अब नो मोर सब्सिडरी अलाय अब तुम डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाओगे सेकेंड बर्मीज वॉर एंड द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा पहला बर्मीज वॉर तो मैंने बताया ना यांडाबू वाला अमहेश वाला ठीक है तो सेकेंड वॉर इज दिस गाय इसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खालसा सिद्धांत या खालसा नीति चूक के सिद्धांत के दौरान भी इसको याद किया जाता है एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 इसके साथ साथ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए भी इसको थोड़ा बहुत जाना जाता है और ये डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए ही हम लोग आज चर्चा करेंगे भारत के अंदर रेलवेज टेलीग्राफ पोस्टल रिफॉर्म्स एजुकेशन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आप जो भी बोलोगे ना सबकी सब इंक्लूडिंग एजुकेशन ऑल दिस आर गिफ्ट्स बाय द लॉर्ड डेलाउस आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ से यूपीएससी ने 10 नंबर के अंदर पूछा था दैट डेलाउजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेलाउजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं ओके फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है वो है कि डेलाउजी केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम 1848 से लेके 1856 तक यहाँ पे भारत के अंदर आते हैं लेटर ऑन ही इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड एज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल बहुत ही कम उम्र के अंदर भारत में आते हैं और मैंने बताया कि ये यूथ वाले फेज के अंदर होते तो बहुत ही गर्म खून था इनका तो इनको लगा कि कुछ भी हो जाए हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भारत के अंदर हम लोग विस्तार करके ही रहेंगे एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड हिज एक्सपेंशन पॉलिसी व्हेन ही केम टू इंडिया ही वॉज श्योर अबाउट वन थिंग कि मुझे जितना हो सके उतना ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है आई हैव टू एक्सपांड वन ऑफ द रीजन वॉज द ब्रिटिश ट्रेड बाय 1840s द ब्रिटिश पावर हैड ऑलरेडी कंसोलिडेटेड इन इंडिया यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया था और इसके कारण सब्सिडरी अलाय भी बना दिए थे बहुत सारे स्टेट्स को तो उनका तिकड़म चलता रहता था इनका तिकड़म चलता रहता था बट वॉट हैपेंड कि दैट द ब्रिटिश ट्रेड वॉज नॉट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लाइक नो डिमांड एंड उसके कारण उनको फायदा नहीं हो रहा था अंग्रेजों एंड डेलाउजी रियलाइज वन थिंग कि अंग्रेजों का जो ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस जा रहा है उसके पीछे जो कारण है वो है ये स्टेट्स भारत के अंदर जितने भी रियासतें थी जो सब्सिडरी अलाय भी थे उनके साथ साथ जो कोई ना कोई ट्रीटीज की थी इसके लिए उसको लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सब स्टेट्स को अनेक्स कर देना चाहिए क्यों क्योंकि हमारे व्यापार को नुकसान ये राज्यों के कारण हो रहा है अगर राज्य नहीं रहेंगे तो व्यापार को फायदा होगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रूल कर देंगे तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी उसी के ही सिद्धांत के तहत डेलाउजी यहाँ पे पूरा का पूरा शासन चलाता है सो ही वॉज डिटरमाइंड टू एक्सटेंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज लार्ज एज द एरिया इज पॉसिबल एंड मुद्दा था क्यों वाई वॉट वॉज द रीजन ओके द ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स वॉज सफरिंग लॉसेज ड्यू टू द मेल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द नेटिव रूलर्स यहाँ के जितने भी राजा थे वो अच्छा शासन नहीं चला रहे थे इसके कारण ब्रिटिश के एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा था हेंस ही थॉट ऑफ एनेक्सिंग और कंट्रोलिंग द स्टेट्स सो दैट द ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स कैन गेट गुड मार्केट एक अंग्रेजों को अच्छा खासा मार्केट बाजार मिल जाए इसके कारण ये पूरा का पूरा तिकड़म रच पा मुद्दा यहाँ पे हो रहा था कि एज अ रिजल्ट ही केम अप विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बट यहाँ पे पोस्ट द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ही कंप्लीटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो नक्शा बनाया गया है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत के अंदर वो भी बनाया मुद्दा यहाँ पे अटक रहा था कि ये एनेक्सेशन कैसे किया जाएगा हाउ टू एनेक्स द स्टेट्स हाउ विल यू ट्राई टू एनेक्स द स्टेट्स इसके पीछे ये पूरा का पूरा तिकड़म रचेगा जिसको आप कहते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप एंड एनेक्सेशन थ्रू वॉर्स द
दिस वॉज द मैप विच वॉज कंसोलिडेटेड एंड कम्प्लीटेड बाई डेलॉस. समवॉट ऐसा हुआ करता था, डायरेक्टली ऐसा नहीं था, ऐसा मत मानिएगा, बट मेजोरिटी ऑफ द प्रिंसेस स्टेट्स वर समवेयर और हियर, और वहां पे बाकी सारे जितने भी एरियाज थे वो सब एरियाज के अंदर आपको पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंडिया है वो देखने को मिलेगा. उसके बाद ये मैप करीबन 1947 तक ऐसा का ऐसा ही रहता है. क्यों? क्योंकि इसके बाद इनको पता चलता है कि हमने ज्यादा ही कुछ स्टेट्स को एनेक्स कर दिया, एंड ड्यू टू दिस मोर एनेक्सेशन द स्टेट्स रिवोल्टेड, और वही के वही राज्य के जितने भी राजा होते हैं जो 1857 के जो विद्रोह के अंदर भाग लेंगे उसके पीछे डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी भी जिम्मेदार ठहराई जाती है. ओके, सो यहाँ पे मुद्दा हो रहा था कि हाउ टू एनेक्स स्टेट्स, राज्यों को किस तरह से एनेक्स किया जाए. सो डलहौजी केम अप विद अ टू वे एनेक्सेशन पॉलिसी. फर्स्ट वॉज एनेक्सेशन थ्रू वॉर्स, डायरेक्टली लड़ाई कर दो, लड़ाई करने के बाद वो स्टेट्स का विलय कर दो, साथों साथ जो जो स्टेट्स के साथ लड़ाई नहीं कर रहे उनके साथ पॉलिसी अपनाओ, और वो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या आपकी खालसा नीति. ओके, सो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या खालसा नीति इसके पहले भी देख ली है कि ब्रिटिश इंडियन कंक्वेस्ट के अंदर किस तरह से इन्होंने उसको अप्लाई किया. विल ट्राई टू सी वन मोर टाइम, उसको थोड़ा और डिटेल में जाके देखने की कोशिश करेंगे. ओके, अब आप देखिए कि एनेक्सेशन ऑफ वॉर्स किस तरह से लड़ाई के बाद इन्होंने पूरे के पूरे एनेक्स किए. पंजाब को मैंने बताया 1848-49 डायरेक्टली एनेक्स कर दिया जाता है. इसके साथ साथ सिक्किम नाम का जो नीचे का जो लोअर सिक्किम का जो प्रोविंस था उसको भी 1850s में एनेक्स कर देता है. लोअर बर्मा या पेगू जिसे हम लोग कहते हैं उसको भी डायरेक्टली ये 1852 के आसपास तक एनेक्स कर देगा. सो 1826 मैंने आपको बताया जो यांडाबू वहां से ये पूरा का पूरा जो तिकड़म आगे चलाता है, तो लोअर बर्मा जो बर्मा का जो लोअर पोर्शन था उसको भी ये एनेक्स कर देगा 1850 तक. तो 3 से 4 युद्ध किए थे इसने मेजर मेजर, और वो मेजर मेजर युद्ध के बाद जो जो एरिया के ऊपर कंट्रोल आया उसने डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को मर्ज कर दिया. ठीक है, तो दिस वॉज द काइंड ऑफ मैप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, तो यहाँ ज्यादा क्लियर दिखता नहीं है. सेकेंडली ही ऑल्सो केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत या खालसा नीति का भी ये पूरा का पूरा देन. ओके, इन केस ऑफ अ डिपेंडेंट रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर टू सक्सीड हिम हिज स्टेट वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश टेरिटरी. अगर आपके राज्य का राजा अगर कोई उसके वंशज के बिना मारा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज वो पूरे के पूरे स्टेट को, वो जो पूरे के पूरा जो राज्य है उसका विलय कर देंगे. मुद्दा मैंने ये भी बताया था कि दिस डॉक्ट्रिन वॉज इन को एग्जिस्टेंस बिफोर द लॉर्ड डलहौजी. 1834 के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह का प्रपोजल लेके आए थे, बट इन्होंने बताया था कि दैट द सन द अडॉप्शन ऑफ सन बाय नेटिव रूलर वॉज जनरली कंसिडर एंड रिकोगनाइज बाय द कंपनी एंड डलहौजी लेटर ऑन रिफ्यूजेस. जब डलहौजी 1848 के आसपास जब पावर के अंदर आएगा तो बोलेगा कि कंपनी इसके पहले भले एक्सेप्ट करती होगी कि आपने अडॉप्ट कर दिया अगर आपके पास कोई संतान नहीं है, आप राजा मरते जा रहे हो तो, बट डलहौजी मना कर देगा कि मैं आपको अलाउ नहीं करूँ. अब आप देखिए कि दिस वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमने पहले के क्लासेस के अंदर भी चर्चा की थी इसको लेके. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पीछे ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि यहां लिखा गया है डिपेंडेंट स्टेट. सो एट दैट टाइम इन इंडिया देर वर 3 काइंड ऑफ स्टेट्स विच यूज टू एग्जिस्ट. किन किन राज्यों के ऊपर ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया जाता. सो 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स यूज टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी. एक ऐसे हुआ करते थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे. दिस प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट पेड एनी ट्रिब्यूट नॉर एक्सेप्टेड द ब्रिटिश पैरामाउंट. ये ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिशर्स को कोई तरह की आपकी जो वित्तीय सहाय नहीं करते थे या उनको कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, ना ही मानते थे कि भाई हम लोग ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं. तो ये बहुत ही अलग थे, ब्रिटिश एम्पायर से अलग रहने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे थे. सो दे वर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑन दिस स्टेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर नेवर अप्लॉयड. क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के भाग ही नहीं थे. सो दे वर कंटिन्यूअसली इन फाइट विद द ब्रिटिश एम्पायर. यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसे ही स्टेट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता था जो एक पपेट की तौर पे काम करें, और वो पपेट वाले स्टेट थे प्रिंसली स्टेट्स नंबर 2 और 3. ठीक है, सो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनी रूलर हु डाइड हु डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर टू थ्रोन वुड हैव टू फॉरफिट द राइट ऑफ फॉर हिज फ्यूचर जनरेशन लेड टू द एनेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर एंड भगत. जयपुर भी था एक स्टेट. ओके, इंपॉर्टेंटली मैंने बताया कि 3 कैटेगरी के स्टेट्स हुआ करते थे. पहला कैटेगरी का स्टेट जो मैंने बताया वो भी प्रिंसली स्टेट था, दूसरा कैटेगरी का स्टेट भी था वो भी प्रिंसली स्टेट था. दिस स्टेट्स पेड ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश पैरामाउंट. से यहाँ पे अंग्रेजों के अधीन ही रहने वाले ये राज्य थे,
ये जितने भी रियासतें थी, ये जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन रहने वाले लोग थे, हेंस दे वर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड अलाइज। आपके जो लगान के राजा जी थे, he was one such person who used to pay tribute to the British, he was also the protected allies, उसके खुद की तो आर्मी हुआ नहीं करती थी, सब्सिडरी अलाइज जैसे थे ना ये लोग। सो एज अ रिजल्ट यू सी कि जब इन लोग को आपको, अगर आपका कोई संतान नहीं हो रहा और आपको किसी को अडॉप्ट लेना है, तो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पे जो शासन करने वाली जो सत्ता होगी उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेटर ऑन एक तीसरा कैटेगरी का भी स्टेट था, इनके जो राजा थे दे वर इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ, जैसे वडियार वंश मैंने आपको बताया, या मैंने आपको बताया कि मराठास को लेके हुआ था। जब आपका तीसरा मराठा वॉर खत्म होता है, उसके बाद जो सतारा के अंदर जो भोसले वंश जिसकी शुरुआत की थी मराठा डायनेस्टी ने, वो उसका एक राजा को बिठा के, एक बच्चे को बिठा के उसको राजा बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और सतारा नाम की जगह के आसपास उसको एक छोटा सा राज्य दे दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसे कैटेगरी के स्टेट भी हुआ करते थे जिनके रूलर्स वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही प्लेस किया जाते थे, वो पपेट के तौर पे रहते थे। ओके, एंड दे वर कॉल्ड एज डिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि इनको हर एक चीज के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था, ये दोनों की दोनों कैटेगरी के स्टेट से उसके ऊपर लागू किया। तो चूक के सिद्धांत के अंदर जो स्टेट्स जो ब्रिटिश पैरामाउंट से को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके ऊपर कभी अप्लाई होते ही नहीं थे। द स्टेट्स विच वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उनके ऊपर ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने पूरा का पूरा इम्पोज किया। और इसी के दौरान मैंने आपको बताया, सतारा, नागपुर, झांसी, भगत, उदयपुर, जयपुर जैसे राज्य थे, और इसके ऊपर एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था पिछले क्लासेस के अंदर। ओके, कि किसको पहले किया और किसको बाद में किया। मैंने बताया कि द ब्रिटिशर्स ऑल्सो बिलीव इन टू रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये बोला जाता है कि विधि के अंदर लिखा है उसका हम लोग पालन करेंगे। वेन दी डलहौजी ट्राइड टू अनेक्स द स्टेट्स ऑफ उदयपुर एंड भगत इलीगली, तो वो वहां की जो जुडिशियल अथॉरिटी उसके पास जाते हैं, और डलहौजी के डिसीजन को ओवरपावर कर दिया गया था, ओवरटर्न कर दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा। ओके, तो एक ब्रिटिश रूल का एक ये एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलता रहेगा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी का पूरा का पूरे चक्कर हुआ था। मुद्दा आपको पहला समझ में आ रहा है कि ही कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसने भारत का जो नक्शा बनाया है उसके कारण उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपके जवाब, और वो नक्शा कैसे बनाया, वो नक्शा उसने युद्ध करके बनाया, और युद्ध के साथ साथ जो उसकी जो नीति थी जिसे हम लोग कहते हैं खालसा नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर, ही कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लिए उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। दूसरा जो मुद्दा, उसको आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं, उसके पीछे है उसके रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे सुधारे लाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू चेंज द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी उसको याद किया जाता है। पहला जो रिफॉर्म था डलहौजी का वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, जैसे हमने इसके पहले के गवर्नर जनरल्स को देखा, कॉर्नवालिस को देखा, हेस्टिंग्स को देखा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे। डलहौजी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। बंगाल वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल एट दैट टाइम यूज्ड टू एनकंपास द एरियाज ऑफ असम, बिहार, सम पोर्शंस ऑफ अवध, सम पोर्शंस ऑफ उड़ीसा एज़ वेल। सो इतना बड़ा राज्य था, इसके साथ साथ डलहौजी जब यहाँ पे आता है तो उसको पूरे भारत के ऊपर भी ध्यान रखना था। सो ही ट्राइड टू डिसेंट्रलाइज हिज ओन पावर। वो गवर्नर जनरल तो था भारत का, सॉरी बंगाल का, बट लेटर ऑन जब उसको लगा कि बंगाल के लिए मुझे अलग से एक सत्ता चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से एक ऑफिस क्रिएट करेगा जिसे कहते हैं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो इम्पोर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अपने ही पावर को थोड़ा बहुत लूज करने की कोशिश करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर बंगाल का चार्ज दे देगा। ही विल बी रूलिंग ओवर बंगाल एज वेल एज सम पोर्शंस ऑफ इंडिया, बट एक नई पोस्ट बनाने की कोशिश करेगा। लेटर ऑन ही ऑल्सो ट्राइज टू एक्वायर, वेन ही ट्राइड टू एक्वायर न्यू टेरिटरी, उसके ऊपर वो सेंट्रलाइजेशन की पूरी कंट्रोल रखे। आप नई टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने बर्मा को एनेक्स कर दिया, आपने सिक्किम को एनेक्स कर दिया, आपने कोई नए नए स्टेट्स को, छोटे छोटे स्टेट्स को एनेक्स कर दिया, वो जितनी भी नई टेरिटरीज होगी उसके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल करेगा। गवर्नर जनरल सबसे टॉप के ऊपर होगा
और उसके नीचे एक नई पोस्ट बनाएगा जिसे आप कहते हो कमिश्नर, और ये कमिश्नर फाइनली आपकी टेरिटरी के ऊपर रूल करेंगे। मॉडर्न डे इंडिया के अंदर आपको ऐसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, वेयर द प्रेसिडेंट इज ऑन द टॉप एंड द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट समवन कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स और द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। यूनियन टेरिटरीज के अंदर है कि नहीं है ऐसा? द सेम काइंड ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट, द नेम इज डिफरेंट बट द कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम स्टिल रिमेन्स द सेम। सो डलहौजी की ये पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी कि जो जो नए नए एरियाज को ये कैप्चर कर रहा था वो नए एरियाज को एक कमिश्नर नाम की जो पोस्ट थी उसके अंदर उसने रख दिया, सो दैट ही कैन मेंटेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज। आज के आधुनिक भारत के अंदर भी ऐसी ही आपको सिस्टम देखने को मिलती है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर जनरली देखने को मिलेगी। हमने पौंडीचेरी बाद में फ्रेंच से लिया तो वहां पे हमने एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट बना दी। हमारे दीव दमन गोवा जितने भी थे, चलो गोवा को तो स्टेटहुड मिल गया, दीव एंड दमन आर स्टिल अंडर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेटर ऑन दिस टेरिटरी इज गवर्न डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम के प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट जो गवर्नर जनरल थे उनके अंदर पूरा का पूरा शासन चलता है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डलहौजी का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन, साथ साथ दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये हम लोग देखते हैं वो है मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब की सेना के अंदर भी ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा। ही वॉज द वन हु इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इन टू द इंडियन आर्मी। भारत के अंदर जो यूरोपियन जितने भी सोल्जर्स थे उसका भी जो बढ़ावा करना है वो भी डलहौजी ने किया। साथो साथ ही वॉज ऑल्सो दी वन हु इंक्लूडेड द मार्शल ट्राइब्स इन द रेजिमेंट। आर्मी के अंदर है ना हमारी मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट, सो ही आइडेंटिफाइड, गुरखा रेजिमेंट है, सो ही आइडेंटिफाइड कि ये मार्शल ट्राइब्स है, ये आराम से लड़ाई कर पाएगी, ट्रेडिशनली वॉरफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जो इंक्लूजन करना है उसका भी एक सेटअप करना है गुरखास का एंड ऑल, उसकी भी शुरुआत जो है वो भी डलहौजी से। सो आधुनिक भारत के अंदर जो हम लोग निर्माता की बात कर रहे हैं, निर्माता के तहत हमने सबसे पहला जो पॉइंट देखा था वो था मैप, आपका पूरा का पूरा नक्शा तैयार करना। नक्शा तैयार कर दिया उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, नक्शे के अंदर जो भी नए प्रदेश आ रहे थे वो नए प्रदेशों को किस तरह से एडमिनिस्टर करता है उसके पीछे उसने नई कमिश्नर की पोस्ट बना दी। साथो साथ अपनी आर्मी को भी और स्ट्रेंथन करना था, इसके लिए अपने यूरोपियन सोल्जर्स की प्रेजेंस तो बढ़ाई, साथो साथ इंडिया के अंदर जो भी मार्शल ट्राइब्स थी जो पहले के टाइम से जानी जाती है कि ये लोग लड़ाई कर सकते हैं, उनकी भी एक डेफिनेट अलग से एक रेजिमेंट्स बनानी भी शुरुआत डलहौजी के द्वारा होती है। सो सेकंड पॉइंट, मिलिट्री रिफॉर्म्स के अंदर भी डलहौजी को याद किया जाता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, सबके यूनिफॉर्म भी अलग अलग हुआ करते थे, आप देखते रहिएगा, इसके कारण ही बवाल हो जाती है, हम लोग देखेंगे 1857 का जो विद्रोह था इसको लेके। थर्ड रिफॉर्म वॉज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यहाँ पे शिक्षण को लेके भी डलहौजी को याद किया जाता है। वन ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स डन बाय डलहौजी विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन वॉज कि 1854 का जो चार्ल्स हुड डिस्पैच आया था उस टाइम के अंदर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। इट चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत के अंदर जो शिक्षण की जो प्रणाली थी उसको पूरा का पूरी तरह से परिवर्तन किया गया। इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया विच वॉज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू डलहौजी। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूलिंग है ना, एंग्लो वर्नेक्युलर पहले कैसा था, खाली इंग्लिश एजुकेशन था। फ्रॉम 1835 एक्ट जब आपका जो मकॉले स्पिनिट था इट वॉज फेयरली बेस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन, बट 1854 का जो चार्ल्स हुड का डिस्पैच आता है वो फोकस करता है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन आपका वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर हो और आपका जो इंग्लिश एजुकेशन होगा वो हायर सेक्शंस के अंदर किया जाएगा। आज की तारीख में भी जनरली हम लोग यही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जनरली यही होता है कि टिल द टाइम यू स्टडी इन ट्वेल्थ जनरली गांव के अंदर और वहां पे यही सिस्टम देखने को मिलती है। व्हेन यू गो टू हायर एजुकेशन आप इंजीनियरिंग और आप मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो भी पढ़ोगे वो सब इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो, बट जनरली यू स्टार्ट विद एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूलिंग। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 कॉलेजेस, वो प्रेसिडेंसी कॉलेजेस थी ना, लंडन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल था, चार्ल्स वुड डिस्पैच को याद करिएगा तो उसके अंदर जो भी चीजें थी वो सब डलहौजी के कारण ही आई गई है या उसके साथ ही रिलेट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराने वाला जो इंसान था वो कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। ओके, फॉलोइंग द मॉडल ऑफ लंडन यूनिवर्सिटी, लंडन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है उसको फॉलो करते करते ये पूरा का पूरा सिस्टम एजुकेशन का लाया गया था। यहाँ पे रुड़की के अंदर आज एक IIT है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी वो भी डलहौजी के राज के दौरान। ओके, सो अप टिल दिस टाइम वी हैव सीन द मिलिट्री
administrative, education as well as the political conquest of Dalhousie. Okay. तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कौन था, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. 1854 के अंदर चार्ल्स वुड ने लाया था. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट दैट टाइम. और ये पूरा का पूरा सिद्धांत लेके आता है. ओके और रिफॉर्म्स करता है, वो है रेलवे का डेवलपमेंट. भारत के अंदर आधुनिक रेलवे का जो शुरुआत होती है वो भी डलहौजी के राज के दौरान. फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज सेट अप इन 1853 बिटवीन बॉम्बे एंड थाने. ओके सो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने विच वॉज सेटअप इन 1853 वो भी डलहौजी के राज के दौरान हुई थी. ही प्लांट दी स्ट्रेटेजिक लाइन्स टू फैसिलिटेट दी मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स एंड दी गुड्स. सो इंडिया के अंदर जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो गुड्स का ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी तरह से हो पाए, साथों साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रूप मूवमेंट हो पाए. और आप देखिएगा कि ही बिल्ट दी रेलवे लाइन इन 1853 और उसके बाद से तीन चार साल में और डेवलप कराने की कोशिश की. तो 1857 का जब रिवॉल्ट होगा तो उसमें यही का यही इंफ्रास्ट्रक्चर काम में भी आएगा, क्योंकि इजी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स टू प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश आर्मी. और हमारे लोग बेचारे घोड़े पे जाते जाते गिर जाते थे दौड़ते दौड़ते, तो उनको हरा दिया गया ठीक है अंग्रेजों के द्वारा. द रेलवेज वर यूज फॉर डिफेंस पर्पज, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव डिफेंस पर्पज था. एंड दे ऑल्सो मेड इंडिया एज ए नेशन. रेलवेज क्रिएटेड द बेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो गंगा जमुना की जो फीलिंग बहनी शुरू हुई उसके पीछे रेलवेज का बहुत महत्व का रोल रहा है. ठीक है हम लोग देखते हैं रेलवेज को पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे. ओके सो दे मेड इंडिया एज ए नेशन. इंडिया को एक नेशन बनाने के पीछे भी रेलवेज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है 1853. ओके सो दिस वॉज द ईस्ट इंडियन रेलवे. कुछ उसी टाइम के अंदर यहाँ पे फर्स्ट रेलवे का कुछ पिक्चर किसी ने बनाया था. ओके सेकेंडली ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही हम लोग बात करें आधुनिक भारत के निर्माता क्यों कहते हैं डलहौजी को. उसके अंदर भारत के अंदर जो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसकी शुरुआत भी डलहौजी ने की. पहले के टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और उसके जो बैकग्राउंड के अंदर आप मोर्स कोड कहते हैं, टिक 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 करके टाइप करोगे और तीन चार आपको देखने को मिलेगा. ओके साइन लैंग्वेज के अंदर. सो इज नोन एज अ फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया. एंड By his time, he also tried to develop almost 4,000 miles of telegraph line joining Calcutta to Peshawar and Bombay to Madras. East and west, north, south, जहां जहां आपको देखने को मिलेगी telegraph lines, वो telegraph lines का भी जो पूरा का पूरा development है वो भी डलहौजी ने भारत के अंदर. So, infrastructure के point of view से आप देखिए, communication के point of view से देखिए, British rule को consolidate करने के बाद उसको जो पूरा का पूरा जो impetus देना चाहिए वो impetus डलहौजी ने दिया है भारत के अंदर. अगर ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता या धीरे धीरे होता तो ब्रिटिश रूल को इतना फोर्स नहीं मिल पाता. ओके फाइनली शायद हमने 2013 के अंदर इसको जय श्री कृष्ण बोल दिया है, इसको मना कर दिया है, खत्म हो गया है. सो पीपल वर सेंडिंग टेलीग्राम टू देमसेल्व्स ओनली, बोले हम आखिरी टेलीग्राम एक दूसरे को भेज देते हैं, आपको तो देखने को नहीं मिलेगा, शायद इंट्रोड्यूस कर दे. तो बहुत ही लॉस कर रहा था ये टेलीग्राम, टेलीग्राफ से ही टेलीग्राम आया. हिंदी मूवीज के अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. गांव से आदमी जब शहर में जाएगा तो उसको टेलीग्राफ आता है और यूं पढ़ के गिर जाता है उसके हाथ से, क्योंकि लिखा होता है कि कम सुन मदर इल. तो जब गांव में जाएगा अमिताभ बच्चन तो उसको पता चलेगा कि बिचारी मम्मी जी तो चले गए हैं प्रभु लोग. तो टेलीग्राफ का कंट्रीब्यूशन ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंदर देखने को मिलता रहेगा. टेलीग्राफ ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन टू द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. जैसे रेलवे ने प्ले किया उसी तरह टेलीग्राफ भी. यहाँ पे इजी कम्युनिकेशन हो गया था और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर भी आप देखोगे कि इट वाज वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स ऑफ सेबोटेजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन इंडिया. जहां जहां जब हम लोग ये क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारे थोड़ी बहुत वायलेंस बेस्ड मूवमेंट देखेंगे उसके अंदर इसका सबसे पहले नंबर लगेगा. क्यों? क्योंकि इनको ये पता थी कि अगर हम लोग को ट्रूप मूवमेंट को रोकना है, हम लोग को ब्रिटिश अथॉरिटी को आगे आने से रोकना है, तो ये टेलीग्राफ जो एक तरह से दूसरी जगह पे जो मैसेज रिले कर रहा है ना उसकी लाइंस को काट दो. सो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आपको ये चीज टेलीग्राफ की देखने को मिलती रहेगी. ओके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट वो है पोस्टल रिफॉर्म्स. भारत के अंदर जो आधुनिक पोस्टल सिस्टम की शुरुआत है वो भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी. ओके मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस. पोस्ट ऑफिस एक्ट पास करता है 1854 के अंदर एंड अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट ही कम्स अप विद अ यूनिफॉर्म रेट पॉलिसी. एक समान आपके जितने भी आपके जो पोस्टेज के दर हो गए वो शुरुआत करेगा.
भारत के अंदर जो पोस्टेज स्टैम्प्स की जो शुरुआत होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पोस्टेज स्टैम्प वाज आल्सो एट्रिब्यूटेड टू डलहौजी। एक पैसा या दो पैसा यहाँ से दूसरी जगह पे अगर आपको भेजना है तो दो पैसा के ऊपर आपको स्टैंप लगाना है और उसके बाद यू कैन इजीली सेंड दिस थिंग। ओके, सो पोस्टेज स्टैम्प सेंटेनरी 1854, 1 अक्टूबर 1954। हमने ये पूरा का पूरा हमने 100 साल सेलिब्रेट भी किया था इंडिया पोस्ट ने कि 100 साल हो गए हैं। ये 100 साल भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही दिए हैं आपको, तो याद रखिएगा जब किसी को लेटर लिख रहे हो तो ये भाई साहब की बदौलत हमने ये पूरा का पूरा पोस्ट का डलवाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है पीडब्ल्यूडी, मॉडर्न डे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे एक बहुत ही मेन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बॉडी हुआ करती थी। आज तो बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं जो आपके बड़े बड़े हाईवेज एंड ब्रिजेस और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना देते हैं, बट इनिशियली इन 1950s 1960s का जो टाइम है इंडिया के अंदर या उसके पहले का टाइम था, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती थी कि वहां पे गवर्नमेंट सब कुछ एग्जीक्यूट करती थी। सो गवर्नमेंट यूज टू एग्जीक्यूट द रोड्स एंड द रेलवेज एंड द हाईवेज, सबका सब सरकारी किया करती थी। तो वहां पे जो डिपार्टमेंट था उसको कहते थे पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, आरएनडी भी कहा करते। ओके, सो सेम वे जो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसकी भी नींव डलहौजी ने रखी थी। ओके, तो सीपीडब्ल्यूडी है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आज की तारीख के अंदर। सो ही वॉज दी वन हु क्रिएटेड एंड सेपरेटेड अ न्यू ऑफिस फॉर पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के लिए नई ऑफिस का बनाना भी डलहौजी ने किया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ही स्टार्टेड स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन पब्लिक वर्क्स। जहां जहां ब्रिटिश पब्लिक वर्क्स मतलब ब्रिटिश पब्लिक वर्क्स के लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं था। हम लोग बोलते कि रास्ता बनाओ तो नहीं बनाए करते थे, बट उनको अगर जरूरत पड़ गई तो ब्रिज भी बना दिया करते थे रातों रात। ओके, सो लार्ज फंड्स वर टू बी स्पेंट ऑन पब्लिक वर्क्स एंड दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेंजिस कैनाल। यहाँ कैनाल के अंदर इन्होंने एक कैनाल, गंगा के अंदर कैनाल बनाई, बट पीछे कारण यही था कि वहां पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, ना कि हमारे लोगों को क्रॉप के लिए पानी देना। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे ये अच्छा खासा फर्टाइल एरिया है तो और दूर दूर तक पानी भेजोगे तो फायदा होगा, वहां पे कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का ज्यादा करोगे। दे ऑल्सो क्रिएट मेड ब्रिजेस, ब्राइड्स हो गया है गलती से रोड्स। ओके, एंड एग्रीकल्चर के अंदर भी होता रहता है, टाइपिंग एरर होती रहती है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डलहौजी वो है कमर्शियल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर के अंदर। हमने देखा थोड़ा बहुत इसके साथ ही, इसके साथ साथ मिलिट्री, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवे, हर एक जगह के ऊपर आपको डलहौजी देखने को मिलता है। सेम वे कमर्शियल के अंदर की देखने को मिलेगा। ही वॉज द पर्सन हु फॉलोड द फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स एंड ड्यू टू हिज फॉलोइंग ऑफ फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स ही ओपन अप द इंडियन पोर्ट्स। ही ओपन अप द इंडियन पोर्ट्स पर्टिकुलरली फॉर वर्ल्ड ट्रेड एंड कमर्शियल आस्पेक्ट, जहां कलकत्ता, बॉम्बे एंड कराची, ये तीनों के तीनों पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है ना वो भी डलहौजी ने। क्यों? क्योंकि इंडिया को इसके बाद जब पोर्ट्स को आपने लिंक कर दिया तो उसके बाद इंडिया का ट्रेड जो ग्लोबलाइज इकोनॉमी के साथ पूरा का पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। ओके, सो डलहौजी ने कमर्शियल एरिया के अंदर भी रिफॉर्म्स किए हैं, डलहौजी ने मिलिट्री एरिया के अंदर भी रिफॉर्म्स किए हैं, डलहौजी ने एजुकेशन के अंदर किया है, डलहौजी ने हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश की। एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड एंड मेड द इंडियन मैप। ओके, अच्छी तरह से भारत का जो नक्शा बनाया है, जो एक एक करके लड़ाई करने के बाद या आपके चूक के सिद्धांत या खालसा नीति को फॉलो करने के बाद, इसके कारण ही उसको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। मुद्दा सबको समझ में आया, वाई डलहौजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न। इतने सेक्टर्स को टच करने वाला कोई भी गवर्नर जनरल नहीं। इसके पहले के हमने जितने भी गवर्नर जनरल देखे उनके अंदर इतना कॉम्प्रिहेंसिव किसी ने भी काम नहीं। डलहौजी वॉज एक पॉइंट आप सोशल के अंदर भी ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉज दी वन हु इंट्रोड्यूस दी विडो रीमैरिज एक्ट 1856। सो इंडिया की सोसाइटी को भी टच किया है इसने। ओके, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, वो है 1856 का विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा अधिनियम का जो पूरा का पूरा जो कानून था पुनर्विवाह का, जो उसको भी इसने अच्छी तरह से पालन करा है। सो राइट फ्रॉम सोसाइटी टू इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स टू मिलिट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेशन टू कॉमर्स, all and each and every aspect of the Indian country, India as a country was touched by डलहौजी। तो एक consolidation की जो शुरुआत हुई थी वो डलहौजी के द्वारा हुई थी, इसके कारण ही उसको आधुनिक भारत का निर्माता। So we are saying is in a British term or British sense के point of view से बोल रहे हैं, उसमें भारत में आके आधुनिक भारत का निर्माता मतलब आप जो बना, आप हमारी जो impression होती वो है देश बनाना, पर देश के पीछे जो background का जो homework किया था वो डलहौजी ने किया था। वो तो हमारे ही लोग थे कि हमने वही टेलीग्राफ का सहारा लिया, हमने वही रेलवे का सहारा लिया, हमने वही एजुकेशन का सहारा लिया
और उसी का ही बेस बना के अंग्रेजों को हरा दिया, बोले निकलो तुम यहाँ से। दिस वॉज द रियालिटी। 1854 में यहाँ पे ये इंडियन मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक के बाद पॉपअप करना शुरू कर देते। वो कैसे पॉपअप होते? इसका कारण यही था कि हम लोग एनलाइटन हो गए थे। अरे यार, ये तो अच्छा अच्छा चीजें हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सिविल राइट्स, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। रेलवेज का सहारा लिया जाता है और रेलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो गंगा जमुना जो भावनाएं बह रही थी, उसके पीछे रेलवेज ने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, 2007 प्रीलिम्स क्वेश्चन। Which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? Awadh. Simple question. देखो, नागपुर, सांसी एंड सतारा मैंने बताया कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनको पूरा का पूरा खत्म किया। अवध के अंदर भी यही था कि अवध वॉज मेड अ सब्सिडरी अलाय, बट उसका जो राजा था वो मजे कर रहा था, तो डेलाउजी ने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है, तो उसको अनेक्स कर देना चाहिए। मिस गवर्नेंस का उसने नारा दिया था कि he was enjoying on his own part, क्योंकि इसके पास कुछ पावर तो बचा नहीं था, जो भी कर रहा था वो ब्रिटिश रेसिडेंट वहां पे राज कर रहा था। सो लेटर ऑन उसका मिस गवर्नेंस का कुछ बेस बना के डलहौजी ने पूरे के पूरे स्टेट को अनेक्स कर दिया। ओके, व्हाट स्टेट?